और आपके साथ हूँ मैं छवि पांडा। आइए नजर डालते हैं टॉप 7 बड़ी खबरों पर। पुलिस शहीद दिवस आज, देश भर में शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी, कहा आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी नई सहमति, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, इससे गलवान जैसा टकराव टाला जा सकेगा। कश्मीर हमले की आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, रैकी के बाद टनल साइट पर की थी फायरिंग, भारतीय सेना ने की बदला। विमान में बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त, सिर्फ बैन ही नहीं जुर्माना और सजा भी मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले जल्द लाएंगे कानून, अब तक करीब 100 फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिल चुकी। आतंकी पन्नू ने दी एयर इंडिया में विस्फोट की धमकी, कहा 1 से 19 नवंबर तक सफर ना करे, 1984 के सिख दंगों का लेंगे बदला। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स सुरक्षा और स्टाइपेंड बढ़ाने जैसी अन्य मांगों को लेकर फिर से हड़ताल पर, अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी चली, सड़कों पर खड़े मरीज। डोटासरा बोले राजस्थान उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पैनल तैयार, हमसे किसी ने बात नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार। Oh, oh, oh.